भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी की इन दिनों एक फोटो मीडिया में खूब वायरल हो रही है और उस फोटो में काजल राघवानी पूरे साज सिंगार के साथ नजर आ रही है। यानी कि जिस तरह से एक सुहागन औरत अपनी मांग भरती है, पूरा श्रृंगार करती है, ठीक उसी तरह से काजल राघवानी भी इस फोटो में नजर आ रही और साथ ही उनके साथ एक और महिला खड़ी है, वो उनकी फ्रेंड बताई जा रही है। जैसे ही काजल राघवानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये फोटो अपलोड कर दी, वैसे ही हड़कंप मच गया भाई। काजल राघवानी ने तो शादी की नहीं तो सिंदूर किसके नाम का लगाया। और आजकल यही चर्चा जोर शोर से है कि काजल राघवानी ने आखिर सिंदूर किसके नाम का लगाया, क्योंकि फोटो एक नहीं, दो नहीं, बकायदा तीन तीन फोटो काजल राघवानी ने इस पर अपलोड की है। तो भाई इसकी जब पड़ताल की गई तो पता चला कि इस साल काजल राघवानी ने पहली बार नवरात्रि में अपना एक एल्बम लेकर आया है। उसका नाम है शिव की शिवानी, जिसमें काजल राघवानी ने बकायदा एक ब्याहता औरत की तरह मांग में सिंदूर भरकर पूरे 16 सिंगार कर मां की आराधना कर रही हैं और अपने फ्रेंड के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर दी। बस माजरा इतना ही है और हर जगह ये बात होने लगी कि काजल राघवानी ने चोरी छुपे शादी कर ली है और सभी के जबान पर एक ही सवाल था कि काजल राघवानी ने किसके नाम का सिंदूर लगाया है। तो अब तो आपको पता चल गया ना कि काजल राघवानी ने किसके नाम का सिंदूर लगाया है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।